सोइयों के बस फाइनली करीना फ्री फायर में मेंटेनेंस ब्रेक आ चुका है और मेंटेनेंस ब्रेक में गाइस सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो है कैरेक्टर स्किल अपडेट। और ये करीना फ्री फायर ने पहले कहीं नहीं बोला था कि ये चेंज करेंगे, लेकिन जब अपडेट आया तब बोल दिया कि हम लोगों को टोटली यहाँ गाइस 7 कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर का जो कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा लॉरा कैरेक्टर, और उसकी एबिलिटी पहले गाइस क्या थी कि जो आपका एक्यूरेसी होता था उसको इंक्रीज करता था 35%, लेकिन अब मैक्स लेवल पे आपका 50% यानी कि 50% इंक्रीज कर देगा। दूसरे नंबर का रहेगा वो रहेगा गाइस सिराव कैरेक्टर। तो गाइस सिराव कैरेक्टर में कुछ इस हिसाब से होगा कि आप लोगों का जो डैमेज एरिया होता था उसको इंक्रीज करता था, ये तो गाइस अब हो जाएगा वो 100 मीटर हो जाएगा, तो इसको भी बफ किया गया है। तीसरे नंबर पे है मैग्यूल, और मैग्यूल में सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि गाइस आप लोगों का पहले क्या हुआ था कि आप लोग अगर किसी एनिमी को डाउन करके किल करते थे तब आपको ईपी मिलती थी। कितने मिलती थी गाइस? 80 मिलती थी, लेकिन अपडेट के बाद गाइस वैसा नहीं होगा। अपडेट के बाद आप लोगों को सीधा नॉकआउट करने पे 200 का ईपी मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ा चेंजेस होगा हमारा मैग्यूल कैरेक्टर के अंदर। आप लोग ध्यान से समझ लो कि पहले क्या था कि हम जब किल कर रहे थे तब हमें 80 की ईपी दिया जा रहा था, लेकिन अपडेट के बाद गाइस सीधा आपको 200 का ईपी मिलेगा, सिर्फ नॉक करने पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो बहुत ही बड़ा चेंजेस होगा नंबर 3 कैरेक्टर मैग्यूल के अंदर। नंबर 4 कैरेक्टर की बात करें तो वो रहेगा A124, और A124 गाइस हमारा ट्रिपल ऑफ बैटल करके, और इसको भी बफ किया गया है। तो इसमें गाइस जो हमारा चेंजेस होगा वो होगा गाइस हमारा इसके अंदर जो वेव था उसको 0 से 25 कर दिया। तो गरीना फ्री फायर ये 7 कैरेक्टर को पावरफुल बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 5 की बात करें तो नायरी, तो नायरी कैरेक्टर का काम क्या है तो आइस ऑफ आयरन है, यानी कि वो बर्फ वाला काम करता है। तो उसके अंदर गाइस जो ग्लोवल का रिकवरी होगा वो गाइस नॉर्मली क्या था कि हम लोगों को मैक्स लेवल पे 30% हो रहा था, लेकिन अपडेट के बाद मैक्स लेवल पे उसको भी 50% कर देंगे। और ये गाइस जो 20% आप लोग देख रहे हो ना वो बहुत ही बड़ा चेंजेस होता है, क्योंकि ये परसेंट में काम हो रहा है। पहले 30 था 50 था, आप खुद सोच लो आधा हो चुका गाइस, तो बहुत ही बड़ा चेंजेस कह सकते हैं। फिर नंबर 6 पे आएगा वो आएगा डिमेत्री, तो डिमेत्री क्या काम करता है वो तो आपको पता ही है, ऑटो हीलिंग करता है हम लोगों को। तो गाइस उसके अंदर एचपी रिकवरी होगी, वो होगी गाइस आप लोगों को 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, इतना बड़ा नहीं है तो, लेकिन बफ जरूर किया है। ओके, फिर गाइस लास्ट होगा डीबी, तो डीबी के अंदर गाइस आप लोगों को बुलेट बीट्स करके वो भी आपको पता ही होगा, तो उसके अंदर मूवमेंट स्पीड को गाइस जो वहां हमारा 20% था वहां 30% कर दिया जाएगा, और एक्यूरेसी इंक्रीज करके गाइस जहां हमारा 45% था वहां 60% कर दिया जाएगा। ओके, तो ये कैरेक्टर स्किल अपडेट होगा। इसके अलावा न्यू वेपन आएगा ट्रीटमेंट लेजर गन, उसकी तो बात ऑलरेडी कर चुके। फिर सीएस पे अपडेट होगा, उसकी भी डेडिकेट वीडियो बना चुके। फिर न्यू ग्लोवल का जो ग्रेनेड आएगा उसका भी वीडियो आप लोगों को आफ्टर ओबी 36 अपडेट में सब कुछ चेंजेस देखा चुके हैं। और फिर आएगा मेंटेनेंस ब्रेक, तो मेंटेनेंस ब्रेक का जो गरीना ने ऑफिशियल टाइम बोला है वो बोला है 9:30 से 4:30 का, तो अब देखते हैं कितने बजे स्टार्ट होता है। और एक बीच में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा जहां गाइस फ्री फायर हमारा अपडेट आएगा प्ले स्टोर के अंदर, तब वो वीडियो बना देंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।